हाय एवरीवन, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। मैं ओहाना जैन अब सबका यहाँ मेरे चाचू और चाची की शादी में स्वागत करती हूँ। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उन सब ने बहुत सी फिल्म देखी होगी, कॉमेडी, रोमांटिक, थ्रिलर, एक्शन। लेकिन मैं आपको जैसी फिल्म दिखाने वाली हूँ, जैसे फिल्म आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी फिल्म। तो आप सभी आज की फिल्म का नाम जान ही चुके हैं, जब रिश मेट दीप। तो आज की ये जो कहानी है वो है मेरे प्यारे चाचू और चाची की। तो फिल्म की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज मेरे घर में क्या चल रहा है। यह है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। अंकित कुछ चेंज करना, बोर हो गया एकदम। से एक ही चीज देखे जा रहे हैं अंकित। मेरे को देखते मैं रिमोट चेंज कर दूँ। मैं ही कुछ और लगाता हूँ। इतने सालों से तो ये लगा रहा है और बार बार ये दिखाता है, तो कोई नया लगा के दिखाओ ना। माँ ठीक बोल रहा हूँ, बहुत सालों से ये देख देख कर बोर हो गया। मुझे अब समय आ गया कि अपन कुछ नया देखें। नया करने के लिए तो ऋषभ की शादी करनी पड़ेगी। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन ऋषभ भैया है किधर? रेडी हो रहा है ऑफिस के लिए, और कहाँ होगा वो। संडे को भी ऑफिस? उसको संडे मंडे कुछ नहीं दिखता है, जब काम होता है तो। जैसे तेरे पापा है ना, वैसे ही वो है। तो आपने देख ही लिया कि मेरे चाचू कितने वर्कहॉलिक हैं, संडे भी ऑफिस का काम नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे चाचू मुंडा कुकर कमाल रहे हैं। तो आइए इनके दोस्तों को स्टेज पे बुलाते हैं। तो मेरे चाचू के दोस्तों से आपको मेरे चाचा का इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। तो अब मैं आपको मेरे चाचू से मिलवाती हूँ। ऋषभ रुक, कहाँ भाग के जा रहे थे? तेरी शादी की बात हो रही है, इधर आके बैठ। लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ये आप लोग की शादी का देखो ना, मुझे कहाँ फंसा रहे हो ऋषभ। हाँ पा, अब आप बड़े हो गए हो, आपका पढ़ाई भी सारा पूरा हो गया, करियर में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। अब और बहाना नहीं चलेगा, सही समय आ गया। अब आप हाँ भर दो शादी के लिए। हम लोग आपके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स भी आए हैं। और अब और लेट नहीं करना, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से हाँ बढ़ो। ठीक है बाबा, जैसा आपको सही लगे, जैसे अपने कोई समझ में आएगा हम आगे बढ़ सकते। ओहो, तो दादू ने चाची को लाने की बात कर दी। चलो अच्छा है, वैसे मुझे बहुत लाड़ प्यार मिलता था, चाची के आने पे तो और भी फायदा है। पर है कहाँ हमारी चाची, आपको पता है कुछ? आइए मैं आपको मिलाती हूँ बहुत ही सुंदर लड़की से, जो मेरी चाची बन सकती हैं। तो उनसे मिलवाने से पहले आइए देखते हैं चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ और क्या क्या शौक है उनके। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे
तो नंदिनी दीदी ने बता ही दिया कि चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियां पहले जैसे उनके शौक नहीं है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कौन से शौक है उनके। चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, सबकी शादियाँ हो रही है तो तू भी शादी कर ले। अरे यार मैं कर लूंगी शादी, अभी आप चलो रेडी हो। सच्ची में कर लेगी? हाँ हाँ मैं। अरे वाह, चलो अभी चलो चलो चल 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 चल। तो यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है, वहाँ मेरी दादी क्या बोल रही है चाचू को? क्या कर रहा है? काम ऑफिस का। सुनेगा दो मिनट। क्या है बोलो। ये पापा ने बायोडाटा शॉर्टलिस्ट किया था, 100 था उसमें से 15-20 रखा है, और इसमें से एक दो जो समझ में आता है बताते तो लड़के वालों को बोलते। देखता हूँ बाद में, देखता हूँ। मेरी सब बहुत नाटक हो गया तेरे। अरे अभी थोड़ा काम है, रात को शांति से देख के बताऊंगा। कल सुबह मेरे को बताना है, सोचेंगे। नहीं तो पापा मेरे को यहाँ तो मेरे चाचू को बहुत सारे बायोडाटा मिले हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी तरफ राजस्थान में क्या चल रहा है। बुढ़िया मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करे हैं बायोडाटा, मेरे को पसंद आ रहे हैं, तो देख ले। मैं 3-4 हैं, तो जो तेरे को पसंद हो मेरे को बताना, ठीक है ना? देख ले, मतलब ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। क्या चल रहा? रोज की कहानी, बायोडेटाज। बढ़िया, देखते हैं। देखते हैं। तो एक भी अच्छा नहीं लग रहा, एक भी। प्रॉब्लम क्या है? प्रोफाइल ऐसी नहीं जिसको मैं देख के बोलूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कंसीडर कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसकी? सिटी देख यार, आई डोंट वांट टू गो टू चोमू प्लीज। यार चोमू इज अ वेरी बिग सिटी, और एक्सेप्ट चोमू पैलेस व्हाट्स देयर। जाके देखा है कभी? जाना ही नहीं है मुझे। और इसमें मुझे इसकी एजुकेशन नहीं समझ में आ रही है। ये बात, तेरा वो दे पीएचडी का सर्टिफिकेट, दिखा एक बार, दे तो सर एक बार। क्या फर्क? पार्ट ऑफ माय फील्ड। वो बेसिक मतलब ग्रेजुएटेड है, वो पढ़ा लिखा है, कुछ और करिए, कर वो कुछ और रहा है, उसे पता ही नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। यार और इतने सारे हैं, एक बार देख तो सही। जैसे अब इसमें दिखा, तू इसकी फोटो देख, तो इसकी बेल्ट ने इसको रोक रखा है। तो तू जैसे बहुत प्रीति जिंटा है। आई एम प्रीति, ओके प्लीज प्लीज। और ये तो बिग 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 नो। इसमें दिक्कत क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक बार कंसिडर करेगी तो ही तो पता लगेगा। ऐसे अगर सब में ही तू ये बोलेगी इसकी हाइट नहीं है, इसका वेट ज्यादा है, तो ऐसे तो शादी होने से रही। और तेरे को ऐसे तो फिर 6-6 लड़के लाने पड़ेंगे, किसी की हाइट अच्छी लग रही है, किसी का वेट अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। सुनो, एक इंसान में भी सारी क्वालिटीज होती है, और एक इंसान भी फुल पैकेज होता है कि जिसमें सब कुछ है। रहने दे, ऐसे तो हो लिया, हम लोग फालतू ही मेहनत कर रहे हैं, छोड़। नहीं हो नहीं ऐसे शादी। ओहो, तो इनके बहुत सारे चॉइसेस हैं, देखते हैं इन्हें कैसे मिलेगा फुल पैकेज। आओ देखते हैं यहाँ मुंबई में क्या चल रहा है। तो ऋषभ, आपको बहुत सारे बायोडाटा दिए थे, उनमें से कोई बायोडाटा समझ में आ रहा है? नहीं पापा, बायोडाटा तो काफी थे, बट काफी मुश्किल हो रहा है कुछ समझ पाना से बायोडाटा देखकर। आपने कैसे मम्मी को सिलेक्ट किया था? अरे हम लोग के जमाने की तो बात ही करो, कुछ बताओ आपके जमाने की बात। हमारे जमाने में
बेसब्रों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो, नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो, नहीं नहीं, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा, बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, तुमसे प्यार हो गया, हाथ ये थाम कर कहां पे तू है चला, अपना भी शुक्रिया कर दिया होता, हम आगे पीछे डोलते हैं भवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। वाह पापा, मजा आ गया आपकी कहानी सुनकर तो। अरे मेरे भाई, पापा के जमाने की कहानी छोड़, अपनी शादी पे फोकस कर। हाँ भैया, अभी थोड़ा फोकस करता हूँ इस बात पर भी। तो मेरे दादू और दादी का क्या कहना, मजा आ गया मुझे भी। चलो देखते हैं इतने सारे बायोडाटा रिजेक्ट करने के बाद कुछ फुल पैकेज मिला क्या। मैंडी, हाँ, एक बार ये प्रोफाइल देखना, मुझे प्रोफाइल थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। He's from Bombay into investment banking. Really nice, yeah. Any my request? I think he is nice. And acha bhi dikh raha hai. Good looking bhi hai. Good looking hai. Cute hai. Cute hai. Okay. So send it. Chalo, theek hai. Okay. Done. Let's see. Hush. चलो यहाँ तो इन्होंने ढूंढ लिया। अब मेरे चाचू ने कुछ स्टार्ट किया या नहीं देखना, मेरे दादू से ये दांत सुनने वाले हैं। चेहरे जो देखे हैं सारे ही प्यारे हैं, हम क्या बताएं ये दिल किस पे हारे हैं। चेहरे जो देखे हैं सारे ही प्यारे हैं, हम क्या बताएंगे दिल किस पे हारे हैं, कभी उसका अरमां है कभी उसका सपना है, लगता है अपने दो गर्दिश में तारे हैं, इसकी बातें हैं कितनी प्यारी, उसकी आंखें हैं हिरनों जैसी गजरारी, शायद इसमें इतने बायोडेटास देख लिए, इतनी लड़कियों से मिल लिया यार, बट कुछ क्लिक नहीं हो रहा। सब लड़कियां तो बहुत अच्छी है, बट बात करने का मन नहीं करता। समझ नहीं आ रहा कि मुझ में ही प्रॉब्लम है या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। घर वालों की सुन लेनी चाहिए और बस हाँ कर देना चाहिए, या बस अपने जिद पे अड़े रहना चाहिए कि कोई तो मिलेगा जिसे मुझे पर्सनली इंटरेस्ट आएगा और मुझे बात करने का मन करेगा। टाइम निकलता जा रहा है, घर पे लोग बोलते ही जा रहे हैं, क्या किया जाए यार। ये प्रोफाइल काफी अच्छा लग रहा है, दीपा मित्तल जयपुर से, काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। वर्क फ्रॉम होम, बॉम्बे में जॉब, क्रिएटिव फील्ड, फिटनेस एंथुसियास्ट, पब्लिक पर्सनालिटी, चैंटिंग पसंद है, बुद्धिज्म फॉलो कर रही है, मेडिटेशन वगैरह पसंद है,
ट्रैवलिंग किया है, काफ़ी ट्रैवल किया है, ये तो काफ़ी मैंने जैसा सोचा वैसा लग रहा है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, देखो क्या होता है। ओहो, तो यहाँ भी एक बायोडेटा शॉर्टलिस्ट हो ही गया। आइए देखते हैं इन दोनों की बातचीत आगे कैसे बढ़ी। सोचू तुझे, सुनू तुझे, बस यही तुझ में डूबा रहूं, डूबा रहूं, डूबा डूबा रहूं, मैं तुझ में ही डूबा रहूं। चैट में तो फिक्स हो गया टाइम कॉल का। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे एक दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, अब रोज ही इनकी बातचीत चालू हो गई। अब रोज 4-5 घंटे बात हो रही है, लगता है यही मेरी चाची बनेंगी। तो ये क्या, कॉल के बाद अब वीडियो कॉल पर भी। हाय ऋषभ। हाय, फाइनली गेट टू सी यू। फाइनली, सो हाउ आर यू, व्हाट्स अप? आई एम डूइंग ग्रेट, एक्साइटिंग टाइम्स, ईगरली वेटिंग टू सी यू इन जयपुर। सो व्हेन डू यू वांट टू कम टू जयपुर? एनी टाइम फॉर संडे वर्क्स, तुम बताओ। When are you free? कैसे प्लान कर सकते हैं? I guess next week should be fine. I might not be able to take leave during the week. From home चल रहा है, तो I'll come. But weekends पे मिलेंगे। Yeah, yeah, yeah. That's completely okay. मेरी मौसी मौसा, दादा दादी, काफी लोग हैं जयपुर में, तो I'll plan accordingly. Oh, you do have relatives here. Cool, cool. That's nice. Come here. Like I'll show you around. I'll take you to different places. चलो, perfect. You be my tour guide और मिलते हैं. Okay. Bye. Take care. इन दिनों रिसेप्ट कोई लड़की देख रहे हैं, तो बातचीत चल रही है. 10-15 दिन से बात चल रही है उन लोग की. रिसेप्ट को बात करने में तो अच्छी लग रही है. अगरी वो तो बोलता है मैं जयपुर मिल के आ जाता हूँ. तो जयपुर जाने से पहले आपको इंक्वायरी निकालनी है तो निकाल लीजिए पदम चाचा जी किसी को बोल के. तो जयपुर जब के तो पदम चाचा जी से बात नहीं होगी, या तो संजय जी से भी बातें भी सकते हैं. मुझे बायोडाटा तो उनको मैं चाहता हूँ करने के देती हूँ बायोडाटा, उसको बहुत जम रखा है बात बात का. लेकिन पहले जब तक अपन इंक्वायरी क्या करनी है, जब उसको पसंद को परख है तो क्या इंक्वायरी? नहीं नहीं, पहले चाचा जी स्पाइडरा निकलटन है लोन है सारा मिशन फॉर्म इसको तो लड़के की संगी पसंद आई तो क्या हो? तो क्या हुआ? अब अपन करी तो आपको तो नहीं मान रहा. ठीक है ठीक है, दे 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 चाचा जी. ठीक है, दे 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 दे. आपका चांस है चलिए. लो, मैसेज, फोन कॉल, वीडियो कॉल सब छोड़ छाड़ के अब चाचू ने जयपुर जाने का प्लान कर लिया. चलो अब उनके जयपुर की भी ट्रिप देख ही लेते हैं. फर्स्ट टाइम किसी लड़की से मिलने दूसरे शहर जा रहा हूँ. काफी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस. क्या दीपा वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था? क्या यही वही लड़की है जिसे मैं हर घड़ी ढूंढ रहा था? तुम ही मेरे दिल
Hi. Hi. I'm outside. Achha, you're here already? So, you coming? I'll come. Give me just 2 minutes. Yeah. I'll just come quickly. Bye. Bye. See you. Hi, how are you? Good, how are you? All good. There's a mask. How are you feeling? Where's your mask? I am not wearing, but you've come from Bombay. Achha, so stay away. I'll take care of that. कहाँ चलना है, क्या plan है? तो तुम बताओगी, तुम यहाँ की हो, मैं थोड़ी हूँ यहाँ का. नहीं मतलब, what do you want to have? Like coffee or chai? तुम्हें पता है मुझे चाय पसंद है, तो maybe we can. चाय? कहाँ, Tuppy Point? अरे देखा आपने, मेरे चाचू इतना घूमते हैं मैं क्या बताऊं? कभी मुझे इतना घुमाने तो नहीं लेके गए चाची. आने दो मुंबई, बात करूंगी. खैर मेरा छोड़ो, देखते हैं राजस्थान में कहानी ने क्या मोड़ लिया है. ले बेटे. थैंक यू. और क्या हो रहा है? ऋषभ से चैट कर रही थी, शाम का प्रोग्राम डिसाइड कर रही थी कि आज कहां मिलना है. एक डेढ़ घंटे में निकल जाए. तो लग कैसे रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत. घूमने में मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है बिल्कुल, फर्स्ट क्लास. चलो सही है बिल्कुल. तब बहुत ऐसे लाइक माइंडेड है बिल्कुल मेरी तरह. अभी तक तो मतलब सब मतलब समझ में आ गया, जच रहा है. सही. आप आके आप भी मिलो. नहीं हम लोग तो मिलेंगे ही बेटे, पर अभी फर्स्ट ये है कि आपको पसंद आना चाहिए. अभी सब मस्त लग रहा है. चलो अच्छा है, तेरे को जच रहा है. अच्छा लग रहा है, मजा तो आ रहा है. खैर आप मेरा और ऋषभ का छोड़ो, आप तो अपना बताओ. आप और पापा घूमने जाते थे क्या? अरे बहुत घूमते थे हम तो. तो आपके और पापा का बताओ कुछ. हाँ तो सुनो ना. ये देखते हैं पुराने जमाने का प्यार. कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है. जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू. चलो ये भी वादा है. बताओ. हाँ. सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए. कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है.
जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है। हेलो, हाय, व्हाट्स अप? हाय ऋषभ, डूइंग? बस ऑल गुड, ऑल गुड। नाइस। मैंने मम्मी पापा से बात करी हमारे बारे में, सो दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट अस एंड दे सेड कि उनको तुमसे मिलना है। आज डिनर प्लान करें मेरे घर पर। अच्छा, मेरी एक मीटिंग है, मीटिंग है, कर लीड है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। तो तुम फ्री हो के मुझे मैसेज करना, तो अराउंड 7:30 का घर पे रखते हैं। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, आता हूँ। डन डन, चलो, एक्साइटेड टू मीट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को। ये तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अब ये ऐसे खाएंगे नहीं तो आगे क्या करेंगे? सोचते रह रहे खाली कि खाऊं कौन खाऊं। ये कुछ खाते भी नहीं है ऐसे तो फिर दीपा भूखी रह जाएगी। हेलो, हाय, व्हाट्स अप? हाय, मम्मी पापा को तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो नाइस, वैसे ये तो मुझे पता ही था। एवरीवन लाइक्ड यू। अच्छा? या एवरीवन। तुम भी घर पे बात करो कि वो लोग भी बॉम्बे आ जाए ताकि मम्मी पापा मिल ले और चीजें आगे बढ़ पाए। तो मैं घर पे बात कर लेती हूँ और फिर हम मुंबई का प्लान करते हैं। चलो बढ़िया, ठीक है, बाय बाय। ओके, ऑलराइट, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। हमने सुना है चिक्का दी की शादी फिक्स हो गई। लड़का कौन है, कोई फोटो वोटो तो दिखाओ। सुना है तुमने जीवन साथ चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है? अरे हमने सुना है तुमने जीवन साथ चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है? कहीं होगा ना ऐसा, एक भी होशियार भी है वो, नेक भी, उसे दुनिया में सब कहते हैं अच्छा। कभी झूठ नहीं वो बोलता, कभी जहर नहीं वो घोलता, वो दिल का साफ है और बिल्कुल सच्चा, समझे बच्चा।
चुप रहता है कि बोल जाता है, क्या बोल करता है वो, जाए कहीं वो जो बात करे तो एक रंग भरता है वो। चुप रहता है कि बोल जाता है, क्या बोल करता है वो, जाए कहीं वो जो बात करे तो एक रंग भरता है वो। कहीं पड़ा उसे क्या पाया था, या वो खुद रोता आया था, हमसे तो कहो हम पर यकीन कर लो। जो तुमने इशारा है किया मैंने पहले ही था कह दिया, लड़के की पूरी छानबीन कर लो। चुप भी रहो, हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है, चीज वो क्या है। आज मैं कितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। जयपुर ट्रिप के बाद वहाँ से सब मुंबई आए चाचू से मिलने, फिर उसके बाद क्या हुआ, अरे होना क्या था, लड़की इतनी सुंदर सुशील संस्कारी है कि दादा दादी बड़ी दादी और बाकी सबको भी पसंद आ गई। तो फाइनल ही मिल गई मेरे चाचू को लाइफ पार्टनर। तो आओ सबको मैं लेके चलती हूँ रोके में। जो घिर गया देखो टाका जी, अरे टाका जी भाई, घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आके देखो काका जी, अरे काका जी। रोका तो हमने देख लिया, तो अब सेलिब्रेशन भी तो बनता है, तो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों साइड से आ जाओ धमाल मचाने। लगा सनसेट भाई तेरा हुल सेट, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना को वाना भी करीना को, तुमको का फीवर है चढ़ने लगा, थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 Let's not show. चल दी या बब विच मेरे कोलो लंग दी, गोइंग बैक एंड बबा बबल अप इन फ्रंट ऑफ मी, एवरीबॉडी ट्राइंग टू फिगर आउट योर रेसिपी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ पीस बेबी, बेबी लेट मी सी इट, जलेबी बेबी आई जस्ट वांट टू ईट इट, जलेबी आई नो द थिंग्स द थिंग्स दैट यू लाइक। जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई।
घर में दिला दो मेरे चंडीगढ़ में बना दो घर चंडीगढ़ में। रोका होने के बाद चाची ने फैमिली में सबसे बात किया और सबका दिल जीत लिया। चाची घर आने वाली हैं। इस बात से मेरी मम्मी कितनी खुश है। मम्मी आप स्टेज पे आके खुद ही बता दीजिए। जैसा आप सबने देख लिया कि चाचा चाची का रोका हो गया, रोका होते ही शादी का डेट फिक्स हो गया 4 मार्च 2022। तो बहुत ही कम टाइम बचा है। दोनों परिवारों ने जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं। जहाँ परिवार में सब शादी की तैयारियों में बिजी हैं, वहाँ एक तरफ मेरी चाचू और चाची की प्री वेडिंग शूट भी चालू है। तो आइए देखते हैं। अरे ज़ोमैटो का खाना वो नहीं है। वो नहीं अच्छा समझा नहीं, बट मैं एक बार करता हूँ उसको, होल्ड नहीं कर पाऊंगा। और तुम बीच में बैक लेवल उधर ही Thank you.
शूट टाइम में बड़ा मजा आया। अब देखते हैं मेन प्री वेडिंग। पूजा में चाची के वहाँ सब इनवाइट करने जा रहे हैं, चाची की नाना जी, नानी जी और पूरे परिवार को। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे महिला संगीत एंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में। तेरे नाल अख लड़ी, तेरे नाल अख लड़ी, अखां होया चार,
अखां हो या चार, मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। अब समय आ गया है बनोरी मेरी दादी बुआ की तरफ से। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जायो धन बरसायो धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, अब हम चलेंगे मुंबई से लेके जयपुर तक। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम मेरी रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। अब चालू हो गए हमारे घर के रिचुअल्स, तो आप लोग एंजॉय कीजिए बैक टू बैक फैमिली फंक्शन। सैया के घर है जाना, जा कर ले आओ पाल की, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, ताक पिया जब डोरे डाले मन तोड़े सब ताले, लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया मेरे मेरे रंग।
Let me hear you shout. गन घोर जरे चहुवन मारु मा मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे अब तक जब रिश में डीप मतलब जब मेरे चाचू और चाची की शादी की बात शुरू हुई थी वहाँ से लेके अब तक की सारी स्टोरी आप सबसे शेयर की। बट अब समय आ गया है मैं बैठ के संगीत इंजॉय करूँगी। संगीत को आप सब लाइव देखिए। बाय बाय।